जो भी कॉमर्स स्टूडेंट अपना बोर्ड एग्जाम 2023 में देने वाले हैं उनके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स के ट्रीटमेंट में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। पहला ट्रीटमेंट होता है कि वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है, और दूसरा ट्रीटमेंट है जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो लास्ट में माइनस किया जाता है टैक्स। यहां पर अगर आप तीन केसेस समझ जाएंगे तो आपको ये पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले केस में अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का एक ही बैलेंस गिवन है तो इसी को वर्किंग नोट में ऐड किया जाएगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस किया जाएगा। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दो बैलेंस गिवन है तो प्रीवियस ईयर वाले को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में एज अ पेड माइनस किया जाएगा और करंट ईयर वाले को मेड मान के वर्किंग नोट में ऐड किया जाएगा। अगर थर्ड केस की बात करें, आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या पेड अगर गिवन है तो उसके लिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे तो मेड गिवन है तो पेड कैलकुलेट हो जाएगा और पेड गिवन है तो मेड कैलकुलेट हो जाएगा, और इन दोनों ही फिगर्स को यूज करेंगे इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बलदेव सिंह स्मार्ट कीड़ा।